पाकिस्तान से जो क्रिकेट जो प्लेयर आए हुए हैं, अब जो विश्व कप मुकाबला चल रहा है हमारा, और जो पाकिस्तान के बल्लेबाज है आया राम और गया राम वाला हिसाब जो है वो देखने को मिला है। पूरा आनंद जो है वो लोगों जो क्रिकेट प्रेमी हैं उन्हें देखने को नहीं मिला है। हमने सोचा था कि पाकिस्तान जो है वो कड़ी मेहनत करके आए होंगे और आज जो बल्लेबाजी करेंगे और काफ़ी रोमांचक मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की सारी टीम जो है वो 42.5 ओवर में ही ढेर हो गई है, यानी कि 42.5 ओवर में वो ऑल आउट हो गई है और मात्र 190 रन उन्होंने बनाए हैं। अब भारत को जीतने के लिए 191 रन की ज़रूरत है वो 50 ओवरों में। और जहां पर आपको बता दूं बैटिंग जो पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी की गई है, काफ़ी होनहार उनमें प्लेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग जो हैं वो उनकी तारीफ़ भी करने को देख रहे हैं, मिल रही थी, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा तारीफ जो है वो वहाँ पे उनकी देखने को मिल रही है। जहाँ पे मैं आपको बता दूँ बाबर आजम जिन्होंने 50 रन बनाए हैं जो सर्वाधिक रन है पाकिस्तान की तरफ से, और रिजवान ने 49 रन बनाए हैं, और एक इंजमामुल हक कुछ ऐसे करके नाम है, इन्होंने 36 रन मारे हैं। ये सर्वाधिक रन है जो तीनों प्लेयर ने ज़्यादा रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए पाकिस्तान के लिए, जहां पर हमारे जो बॉलर हैं उन्होंने जो है वो इनकी कमर तोड़ दी है और मात्र इन्होंने 42.5 ओवर में इनको ढेर कर दिया है। बुमराह जो काफ़ी अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की है, उन्होंने 2 विकेटें ली हैं। मोहम्मद सिराज जो हमारे बॉलर हैं उन्होंने 2 विकेटें ली हैं, आपने देखा कि पिछले मैच में उन्होंने एक और पहले जो मैच हुए थे इससे पहले उन्होंने उसमें 5 विकेटें ली थी। ये मोहम्मद सिराज है हमारी भारत की जो शान है बॉलर, उन्होंने 2 विकेटें ली हैं। हार्दिक पांड्या इन्होंने 2 विकेटें ली हैं। कुलदीप यादव ने 2 विकेटें ली हैं। रविंदर जडेजा इन्होंने 2 विकेटें ली हैं। मैं आपको बता दूं सारे जो बॉलर हैं हमारे उन सब ने जो है वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ सभी बॉलरों ने 2-2 विकेटें ली हैं। तो अब पाकिस्तान को जो है वो अगर ये मैच जीतना होगा तो जो भारत की बल्लेबाजी है उन्हें जो है वो जल्दी आउट करना होगा, उन्हें पवेलियन भेजना होगा। रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, अन्य हमारे जो प्लेयर हैं, हालांकि बात करें तो 7-8 जो हैं वो वहां तक हमारी बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी है और हमें लगता नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छा जो हमारा प्रदर्शन है रोहित शर्मा का या विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ, और लगता नहीं है कि ये मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। मुझे लगता है कि ये हमारा जो भारत के जो प्लेयर हैं 40 ओवर के अंदर अंदर ही ये मैच को जो है वो जीत लेंगे। हालांकि दबाव रहेगा, भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा दोनों टीमों के ऊपर दबाव रहता है, और अभी तक हमारे जो रोहित शर्मा ने जो अपनी देखा होगा आपने कि वो उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया था, वो निर्णय अभी तक सही साबित हुआ है, और जो उन्होंने बॉलिंग लगाई थी उन सभी बॉलरों ने जो है वो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अपना दिया है। 2-2 विकेटें जो है वो उन्होंने चटकाई है। अब भारत को जीत के लिए 191 रन का लक्ष्य है और देखते हैं कि ये लक्ष्य जो है वो भारत कितनी आसानी से हासिल कर लेता है। देखते रहे रियासी जैके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।